हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू श्वेता यादव ट्यूटोरियल्स। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट बेल आईकॉन फॉर मोर अपडेट्स एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे दैट इज पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स सो हियर पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स क्या होती हैं और किस लिए डेवलप की जाती हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट इनक्रीजेज इल्ट एंड रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स जब भी हम पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप को डेवलप करते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होता है इससे पहला फायदा ये होता है कि जो केमिकल हम यूज कर रहे हैं प्लांट को इम्प्रूव करने के लिए यानी कि मान लीजिए हमारे प्लांट के साथ कोई अनवांटेड प्लांट उगा हुआ है उस अनवांटेड प्लांट को हमें किल करना है हमें प्रोडक्शन एनहांस करना है बहुत सारी चीजें होती हैं हैं उन सारी चीज़ों को करने के लिए हम केमिकल केमिकल पे 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 डिपेंड हो गए तो केमिकल पे जो डिपेंडेंसी है उसको खत्म करता है साथ ही साथ प्रोडक्शन बढ़ाता है और प्रोडक्शन को हम कहते हैं ईल्ड अब यहाँ पे पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप अच्छी क्यों होती है और किस किस टाइप की होती हैं और कैसे डेवलप की जाती है उसको डिस्कस करेंगे टू कैटेगरीज फर्स्ट इज इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट एंड सेकेंड इज नीमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट के बारे में और नीट पे इससे हर साल एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है और ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है राइट तो इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बी प्लांट और क्रॉप इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बीटी प्लांट या बीटी क्रॉप बेहतरीन एग्जाम्पल है इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट का इंसेक्ट रेजिस्टेंट मतलब पेस्ट पेस्ट रेजिस्टेंट मतलब का मतलब का होता है अनवांटेड ऑर्गेनिज्म जो हमारी क्रॉप को नुकसान पहुंचा रहे हैं उसमें इंसेक्ट हो सकते हैं उसमें निमेटोड्स यानी कि राउंड वार्म हो सकते हैं रोडेंट्स हो सकते हैं कोई भी हो सकता है जो क्रॉप को नुकसान पहुंचा रहा है क्रॉप को खा रहा है Uh, जो सीड्स होते हैं उनमें छेद कर रहा है पत्तियों को खा रहा है बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्लांट है अब उनको मारने के लिए हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं यानी कि हम केमिकल पर डिपेंडेंट हैं बट यहाँ पे हम ऐसी क्रॉप डेवलप कर रहे हैं जो कि पेस्ट रेजिस्टेंट है और इसमें पहली हम पढ़ने जा रहे हैं इंसेक्ट रेजिस्टेंट इंसेक्ट रेजिस्टेंट में जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज बी प्लांट बी टी दैट इज बेसिलिस प्लांट बी टी प्लांट अस्पेशल क्राइजीन ऑफ बैसिलस थ्रेनजेस बी टी बैक्टीरिया है बेसिलस थ्रियोजेसिस एक टाइप ऑफ बैक्टीरियम है और इस बैक्टीरियम में प्रेजेंट है क्राइजीन इस बैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट है इस बैक्टीरियम में प्रेजेंट है क्राई जीन वॉट इज जीन फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए का फ्रेगमेंट है अब हमें पता है है, है है कि जो जीन वो RNA बनाता है और RNA से बनता है प्रोटीन अब यहां पे भी ये जो क्राइजीन जीन है ये स्पेशल टाइप का प्रोटीन बनाता है और इस प्रोटीन को बोला जाता है क्रिस्टलाइन प्रोटीन यानी कि क्रिस्टल के फॉर्म का प्रोटीन अब क्या खास बात है इस प्रोटीन के डिस्कस करते हैं तो यहां पे क्या किया गया ये जो बैक्टीरिया है इस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस इस बैक्टीरिया के पास एक विशेष प्रकार का जीन है इस जीन का नाम है क्राय जीन क्या नाम है इस जीन का क्राई जीन। और ये जो जीन है जब एक्सप्रेस होता है तो यह स्पेशल टाइप का प्रोटीन बनाता है इस प्रोटीन को बोला जाता है क्रिस्टलाइन प्रोटीन क्लियर mm सो -hmm. so, अब इस क्राइजीन को उठा के प्लांट में ट्रांसफर किया जाता है क्यों किया जाता है इसका डिटेलिंग अभी हम करेंगे क्राइजीन प्रोड्यूस इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन विच किल इंसेक्ट ऑफ थ्री ऑर्डर जो क्राइजीन है मैं बैक्टीरियम यहां बना देती हूं ये बैक्टीरियम है इस तरीके से हमने बैक्टीरियम बनाया ये मान लीजिए इसका क्राइजीन है और ये जो क्राइजीन है मैंने आपको बताया ये स्पेशल टाइप का प्रोटीन क्रिस्टलाइन प्रोटीन बनाता है क्या बनाता है ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन इस क्रिस्टलाइन प्रोटीन के अंदर ये मान लीजिए इस तरीके का क्रिस्टलाइन प्रोटीन है ये मान लीजिए इस टाइप का क्रिस्टलाइन प्रोटीन है और इस क्रिस्टलाइन प्रोटीन के अंदर एक टॉक्सिन प्रेजेंट है ये इंसेक्ट को मारने वाला टॉक्सिन है इसको हम कहते हैं इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन क्या बोला मैंने एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलिस इस बैक्टीरिया के पास क्राइजीन है क्राई जीन जब एक्सप्रेस होता है तो स्पेशल टाइप का प्रोटीन बनता है क्योंकि जब भी जीन एक्सप्रेस होता है तो प्रोटीन बनता ही बनता है और ये जो प्रोटीन है इस प्रोटीन का नाम है क्रिस्टलाइन प्रोटीन इस क्रिस्टलाइन प्रोटीन के अंदर इंसेक्ट को मारने वाला टॉक्सिन है इस टॉक्सिन को बोला जाता है इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन किल इंसेक्ट ऑफ थ्री ऑर्डर ये इंसेक्ट को किल करता है अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्या किसी को भी किल कर देता है नहीं ये स्पेशल ऑर्डर के ही इंसेक्ट को किल करता है आप पूछेंगे ऑर्डर क्या होता है तो ऑर्डर जब आप डाइवर्सिटी पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं किंगडम फाइला क्लास ऑर्डर एक पर्टिकुलर फाइला के एक पर्टिकुलर क्लास के पर्टिकुलर ऑर्डर को ही किल करता है कौन कौन से ऑर्डर है पहला लैपिडो टेरस जिसमें आते हैं टबैको बर्डव आर्मी वाम कॉटन बॉल वाम एंड कॉर्न बोररस बहुत ध्यान रखना है ये कि लेपिडो टेरेंस में क्या क्या आते हैं टबैको बर्डव आर्मी वाम कॉटन बॉल वाम एंड कॉर्न बोरर बोरर यानी छेद करने वाले नेक्स्ट है कॉलियस जिसमें आते हैं बीटल्स स में कौन आते हैं बीटल्स एंड डायप्टेरेंस में कौन आते हैं फ्लाइज एंड मॉस्किटोज तो ये थ्री ऑर्डर के इंसेक्ट्स को ही किल करता है कौन क्रिस्टलाइन प्रोटीन के अंदर मिलने वाला इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन अब ये जो इंसेक्टिसाइडल टॉक्सीन है जब ये बनता है तो ये इनएक्टिव है कैसा है ये इनएक्टिव इन एक्टिव है और इनएक्टिव टॉक्सिन को यहां पे एक नाम दिया गया है प्रो टॉक्सिन टॉक्सिन अब ये इनएक्टिव क्यों है क्योंकि इस toxin के बाहर जो प्रोटीन है क्रिस्टलाइन प्रोटीन है उसकी एक शेल बनी हुई है जब तक ये शेल यानी कि जो प्रोटीन कोट है ये डिजोल्व नहीं होगा तब तक ये प्रोटीन एक्टिव नहीं होगा इसको एक्टिव करने के लिए एल्कलाइन मीडियम चाहिए एल्कलाइन पीएच होना चाहिए इस पर्टिकुलर इंसेक्टिसाइडल इंसेक्टीसाइडल होता है इसके एक्सप्रेशन से क्रिस्टेलाइन प्रोटीन होता है क्रिस्टलाइन प्रोटीन के अंदर इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन है जो इनएक्टिव है जिसको क्या बोला जाता है प्रोटॉक्सिन जो स्पेशल टाइप के ऑर्डर वाले इंसेक्ट्स को ही किल करता है कौन कौन से लेपेडोटेरस कॉलियोपटेरेंस एंड डिपटेर राइट नाउ ये क्राइजीन है ये आरएनए बनाता है नेचुरली जीन से क्या बनता है आरएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन ये कौन सा प्रोटीन है क्रिस्टलाइन प्रोटीन क्रिस्टलाइन प्रोटीन और इस क्रिस्टलाइन प्रोटीन के अंदर ये क्या दिख रहा है ये दिख रहा है इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन क्या दिख रहा है ये इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन क्लियर अब इस क्राइजीन को उठा के ट्रांसफर किया प्लांट में इस क्राइजीन को उठा के किसमें ट्रांसफर किया प्लांट में ट्रांसफर किया अब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब हम किसी भी जीन को प्लांट में ट्रांसफर करेंगे तो यहां पे इस प्लांट का नाम बनेगा बीटी प्लांट जो कि एक टाइप का ट्रांसजेनिक प्लांट है क्या है ये एक टाइप का ट्रांसजेनिक प्लांट है पहली बात ये जो ट्रांसजेनिक प्लांट है इस ट्रांसजेनिक प्लांट में हर पार्ट की हर सेल में क्या प्रेजेंट है क्राइजीन प्रेजेंट है क्या प्रेजेंट है क्राइजीन क्योंकि जब भी जीन ट्रांसफर किया जाता है तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को ध्यान में रख के किया जाता है जिससे जो नई जनरेशन बने उस नई जनरेशन की हर सेल में वो पर्टिकुलर जीन प्रेजेंट हो और जब वो एक्सप्रेस करे तो वो अपना प्रोडक्ट प्रॉपर्ली बनाए क्लियर तो यहाँ पे क्राइजीन को प्लांट में ट्रांसफर किया गया ये क्राइजीन प्लांट में डाला गया अब प्लांट की सेल में भी ये जो क्राइजीन है ये क्रिस्टलाइन

नहीं था बट अब क्या होगा यहां पे जैसे ही ये इंसेक्ट इस लीफ को खाएगा ये मर जाएगा कैसे मरता है क्या फिनल होता है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले वंस एन इंसेक्ट इन इंजेस्ट द इनएक्टिव टॉक्सिन जैसे ही कीड़ा जैसे कोई इंसेक्ट पत्ती को खाता है यानी कि उसकी बॉडी में क्या गया उसकी बॉडी में वो इनएक्टिव

एक्टिवेटेड टू द सर्फेस की सरफेस से बाइंड होता है सर्फेस ऑफ दू दर्फेस ऑफ मिड गट की जो एपिथीलियल सेल है उसे बाइंड हो जाता है एंड दिन क्रिएट पोर्स दैट कॉज सेल स्वेलिंग एंड लाइसिस एंड इवेंशुअली कॉज द डेथ ऑफ इंसेक्ट ये जैसे ही एपिथेलियल सेल से बाइंड होता है तो बाइंड होकर एपिथेलियल सेल्स में पोर्स बना देता है उससे क्या होता है सेल्स फट जाती हैं और इंसेक्ट्स की डेथ हो जाती है कैसे होती है इस बात को समझते हैं ये मान लीजिए ये मान लीजिए प्लांट है राइट right. ये बीटी प्लांट है बेसलिस थ्रेनजेनेसिस प्लांट राइट अब इस बेसलिस थ्रेनजेनेसिस प्लांट को किसने खाया कीड़े ने खाया तो यहाँ पर उस कीड़े को हम बड़ा सा बना देते हैं ये इस पर्टिकुलर इंसेक्ट ने उसको खाने की कोशिश की ये पर्टिकुलर इंसेक्ट है इस पर्टिकुलर इंसेक्ट ने उसको खाने की कोशिश की राइट right? ये इंसेक्ट हमने बना दिया अब यहाँ पे क्या देखा हमने कि जो इंसेक्ट है इसमें यहाँ पे क्या प्रेजेंट है ये इसकी एपिथेलियल सेल है ये इसकी एपिथेलियल सेल है क्लियर और यहां पे इसकी मिडगट है अब बहुत ध्यान से सुनना जैसे ही इंसेक्ट ने इसको खाया जैसे ही इंसेक्ट ने इसको खाया यानी कि इंसेक्ट के अंदर क्या गया इंसेक्ट के अंदर गया क्रिस्टलाइन प्रोटीन इंसेक्ट के अंदर क्या गया क्रिस्टलाइन उसे बनाते हैं ये गया क्रिस्टलाइन प्रोटीन अब इस क्रिस्टलाइन प्रोटीन के अंदर क्या है ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन के अंदर इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन है ये रहा अब ये जो इंसेक्ट है ये इंसेक्ट के क्या है एपीथीलियल सेल और ये इंसेक्ट के क्या है मिडगट और इस मिडगट का जो पीएच है वो क्या है एल्कलाइन पीएच कैसा पीएच है इसका एल्कलाइन पीएच है अब बहुत ध्यान से समझना जैसे ही इस इंसेक्ट ने इस पत्ती को खाने की कोशिश की ये जो इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन है ये एक्टिव हुआ क्योंकि यहाँ पे ये जो क्रिस्टलाइन प्रोटीन है ये जो क्रिस्टलाइन प्रोटीन है ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन डिजोल्व हो गया ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन डिजोल्व हो गया क्या एक ही क्रिस्टलाइन प्रोटीन था नहीं बहुत सारे आ रहे हैं क्लियर अब यहां पे क्या होगा तो यहां हो और इसके डिजोल्व होते ही ये इन एक्टिवेटेड ये इनएक्टिवेटेड जो टॉक्सिन था ये हो गया एक्टिव ये टॉक्सिन कैसा हो गया एक्टिवेटेड ये टॉक्सिन कैसा हो गया एक्टिवेटेड जैसे ही टॉक्सिन एक्टिवेट हुआ तो यहां पे क्या करेगा ये एपिथीलियल सेल से बाइंड होगा ये एपिथेलियल सेल से बाइंड होगा बहुत सारे हैं तो एपिथीलियल सेल से बाइंड होंगे जैसे एपिथीलियल सेल से बाइंड होंगे तो इस एपिथीलियल सेल में क्या बना देंगे पोर्स बना देंगे क्योंकि जहां से बाइंड होंगे जहां से बाइंड होंगे वहां से पोर्स बन गए ये पोर्स बन गए और जैसे ही ये पोर बने तो वैसे ही क्या होगा पोर्स के बनने की वजह से यहां पे जो एपिथेलियल सेल्स हैं इनका जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो बढ़ेगा यानी कि ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं दी सेल्स स्वेलप ये सेल्स स्वेलप होंगी स्वेलप होने के बाद इनका जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो बाहर निकल के आ जाएगा और इवेंचुअली सेल विल बर्स्ट जैसे ही एपिथीलियल सेल यहाँ पे बर्स्ट होना शुरू होंगी ये इंसेक्ट ऑटोमेटिकली मर जाएगा तो यहाँ पे कैसे मरा इंसेक्ट यहां पे मरा इस एक्टिवेटेड टॉक्सिन के कारण ये जो टॉक्सिन था ये एक्टिवेट हो गया एक्टिवेशन के लिए पीएच जरूरी था एल्कालाइन पीएच वो पीएच कहाँ से मिला इस इंसेक्ट की ये जो इंसेक्ट है ये जो इंसेक्ट है इसकी मिड गट से मिला किससे मिला मिड गट से मिला और यहाँ पे इनएक्टिवेटेड प्रोटीन एक्टिव हुआ ये जो क्रिस्टलाइन प्रोटीन है ये डिजोल्व हो गया और जैसे डिजोल्व हुआ तो ये इसने क्या किया इस टॉक्सिन ने एपिथेलियल के सेल्स के साथ बाइंड करना शुरू किया और उनमें छेद कर दिया छेद करने से सेल्स में पोर्स बन गए और पोर्स बनने से साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बाहर निकला सेल्स पहले तो फूली उनका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बाहर निकला और सेल्स खत्म हो गई और जैसे ही एपिथेलियल सेल्स बस्ट हो जाएंगी इवेंचुअली ऑर्गेनिज्म भी खत्म हो जाएगा तो इस तरीके से क्या बनाए गए इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स बनाए गए जिनको हमने बोला बीटी प्लांट सो हियर नाउ द टॉक्सिन क्रिएट पोर्स दैट कॉज सेल स्वेलिंग एंड लाइसेज सेल में स्वेलिंग हुई सेल्स में लाइसेज हुआ यानी कि सेल डिस्ट्रॉय हुई इवेंचुअली कॉज डेथ ऑफ इंसेक्ट्स और फाइनली इंसेक्ट की डेथ हो गई तो इस तरीके से क्या बनाए गए, गए इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक है, है मतलब एक विशेष प्रकार के इंसेक्ट ग्रुप को खत्म करता है टारगेट करता है द चॉइस ऑफ जीन्स डिपेंड अपॉन द क्रॉप एंड देश जीन की चॉइस कैसे की जाती है जीन की चॉइस करनी हमें तो किस किस को ध्यान में रख के किया जाता है एक तो पेस्ट क्या है और एक क्रॉप कौन सी है क्रॉप कौन सी है ये ध्यान रख के और पेस्ट कौन सा है ये ध्यान रख के जीन का सिलेक्शन किया जाता है कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जब आप रेजिस्टेंट क्रॉप बना रहे हैं पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बना रहे हैं, तो किस किस बात का ध्यान रखोगे क्रॉप कैसी है पेस्ट कौन सा है द प्रोटीन एंड कोडेड बाई द जीन्स सी आर वाई फर्स्ट ए सी एंड सी आर वाई सेकेंड ए बी कंट्रोल द कॉटन बॉलवम इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा था कि एक विशेष प्रकार के ऑर्डर को टारगेट करता है और यहाँ पे कॉटन बॉलवम को कंट्रोल करता कौन है क्राई फर्स्ट ए सी एंड क्राई सेकेंड ए बी कॉटन बॉलवम ये मान लीजिए ये है कॉटन बॉल क्या करता है जब कॉटन का फूल होता है इस फूल के खिलने से पहले ही ये इस फूल को नुकसान पहुंचा देता है इसमें अंदर घुस जाता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है अब क्या ऐसा किया जाए कि कॉटन बॉल वॉम को कंट्रोल किया जाए तो जीन ट्रांसफर किया जाता है कौन सा क्राय फर्स्ट ए या क्राई सेकेंड ए तो इन दोनों का क्या फंक्शन है ये क्राय फर्स्ट ए सी एंड ए बी क्राई सेकेंड ए बी किसको कंट्रोल करता है कॉटन बॉल वॉम को कंट्रोल करता है यानी कि कॉटन को डिस्ट्रॉय करने वाले वॉर्म को कंट्रोल करता है वो भी किस पोर्शन के बॉल पोर्शन के जहां से कॉटन एक्सट्रैक्ट होती है नेक्स्ट क्राई फर्स्ट ए बी कंट्रोल द कॉर्न बोरर जो मक्का होती है मक्का में छेद कर देता है और मक्का को डिस्ट्रॉय करता है इसको हम कहते हैं कॉर्न बोरर बोरर यानी छेद करने वाला पोर्स डेवलप करने वाला तो क्राई फर्स्ट ए बी फर्स्ट ए बी क्या करता है कॉर्न बोरर को कंट्रोल करता है तो यहाँ पे क्या ध्यान रखा गया कि पेस्ट कौन सा है और क्रॉप कौन सी है तो यहां पे, पे क्या है कॉर्न बोरर इसको कंट्रोल करने के लिए यह पर्टिकुलर जीन लिया गया तो यानी यानी कि क्रॉप को ध्यान रखते हुए पेस्ट को ध्यान रखते हुए क्रॉप का सिलेक्शन किया जाता है एग्जाम्पल ऑफ बीटी प्लांट्स बीटी कॉटन बीटी कॉर्न बीटी सोयाबीन एंड ब्रीटी ब्रेंजिल यानी कि डिफरेंट डिफरेंट बीटीज बैसिलस जिन्हें प्लांट को डेवलप किया गया कौन कौन से कॉटन कॉर्न सोयाबीन एंड ब्रेंजिल तो इस वाले सेक्शन में हमने पढ़ा कि किस तरीके से हम इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप को डेवलप कर रहे हैं जिसको हमने नाम दिया बीटी क्रॉप